बिजली बिलों की समस्याओं को लेकर विद्युत कार्यालय पर लोगों का विरोध प्रदर्शन, मनमर्जी रीडिंग बनाने का लगाया आरोप। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। विभिन्न विद्युत कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। उसी के तहत आज मदार स्थित अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय पर भी उपभोक्ताओं ने बिल में हुई गड़बड़ियों को लेकर के प्रदर्शन कर दिया। उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए निगम के प्रबंधक से मांग की है कि वह उनकी समस्याओं को सुने और उसका जल्द समाधान करे, हमें परेशानी से निजात दिलाए। वहीं मदार पावर हाउस के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं ने बताया कि जो कर्मचारी मीटर की रीडिंग लेने आता है वह मीटर को ढंग से देखता भी नहीं और अपनी मनमर्जी से रीडिंग लिख लेता है और उसी के अनुकूल बिल भी बनाकर भेज देते हैं। हमारे घर में ज्यादा बिजली का उपयोग भी नहीं होता है, उसके बावजूद भी हमारे 3,000 से 4,000 रुपए का बिजली का बिल हाथों में थमा देते हैं और जब बिल की गड़बड़ी को लेकर शिकायत करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि यह बिल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। वहीं हम चाहते हैं कि जो रीडिंग की कीमत बढ़ा दी गई है उसे पुनः कम किया जाए और लोगों को राहत प्रदान की जाए। वहीं अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम सब मिलकर आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी विद्युत अधिकारियों की होगी। चेक करने जाते हैं, इनकी रीडिंग सही नहीं आती है, दूर से देख के निकल जाते हैं और आंखों से अच्छी तरह से देखते नहीं। एक तो मीटर इन्होंने ऊंचा लगा रखा है, हम लोग नहीं देख सकते, ये लोग देखते हैं दूर से, इनके यहाँ नजर पड़ती है नहीं पड़ती हमको नहीं मालूम। और ये लोग अपनी मर्जी से और पे लिख के नहीं ले जाते, इतनी रीडिंग है, ये इतनी रीडिंग है, इतनी रीडिंग है, उसके बाद में और बिल है अपनी मन मर्जी से भर भर के नहीं और भेज देते थे। महीने का बिल आया और कितना? 2 महीने का है, 3,500 है। अब 3,500 आप देखिए, अकेला इंसान कमाने वाला कहाँ से जमा कराएगा। फोर में कितना आता था बिल, इससे पहले भी आपकी बिल? फोर में मेरे 1,500 से भी कम आता था, 1,000-1,200 से कम बिल इतना ही आता था मेरा। इतना महंगा क्यों आ रहा है? अब ये तो इनसे पूछिए ना, पब्लिक से क्या पूछे, पब्लिक तो जो लिख के देता था वो तो गरीब है, मजबूरी में अपनी ऐसी तैसी करा के नहीं और जमा कराएगा, खाने के लिए नहीं हो, बिल जमा कराने के लिए हो। ये मदार है, डबल स्टोरी मदार, सेक्टर 3। आज आप किस जगह आए आप लोग? यहाँ पावरोस के मार आए हम लोग। क्या कहा इन लोगों ने आपसे? इन्होंने ये बोला है कि कुछ भी हो बिल तो जमा कराना पड़ेगा, जो तुम्हारी रीडिंग लिखी हुई है उसी हिसाब से बिल जमा कराना पड़ेगा। तुम लोग सभी क्या चाहते? हम लोग ये चाहते हैं कि बिल में कटौती होनी चाहिए और यूनिट इन्होंने जो 1 रुपए किया है वो कम होना चाहिए। मेरा नाम मुन्नी है, मोर्रे। समस्या कुछ नहीं सर, पिछले महीने मैंने 8 तारीख को ही बिल जमा कराया था, वो 1,704 रुपये जमा कराए थे। इस महीने एक ही महीने का बिल आया है, रिसेंटली कल ही मुझे मिला था, मैंने ये नेट से निकाला है और इसका भी बिल 1,704 रुपये है। तो 2 महीने का और 1 महीने में कोई डिफरेंस नहीं है, और यूनिट दरें बढ़ा दी गई है। दिल्ली के अंदर हर आम आदमी को कम दरों पर दिया जाते ताकि हर व्यक्ति उसको सफिशेंट तरीके से जमा करा सके। हम भी यही चाहते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट जो अशोक गहलोत जी बैठे हैं उनको भी, एक आम आदमी को, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, हर व्यक्ति आज मजदूरी करता है, कैसे न कैसे अपने परिवार को चला रहा है और ये 1,700-1,800 रुपये, 3,000-3,000 रुपये बिल किस प्रकार से जमा कर पाएगा। और निवेदन है कि इसमें एक तो जो दरों की रेट है, जैसे 50 यूनिट दिए इन्होंने कि 1 महीने में इतनी दर से रहेंगे, 4.75 रुपये पिछले आया। आज ये बिल के सिलसिले में आया कि मैंने 1 महीने का 1,700 कैसे आ गया जब 2 महीने में आपकी बात हुई अंदर इनसे, क्या अभी बात नहीं हुई, वो कह रहे हैं कि आप ये जमानत जमा तो कराना ही पड़ेगा, ऊपर से आदेश है। क्या चाहते हैं आप इसमें? जिस प्रकार से 2 महीने का 1,704 रुपये लिए हैं, 9 रुपये लिए हैं, तो अब ये 1 महीने का 1,704 रुपये बिल आया तो आधा बिल होना चाहिए ना मेरा, 800 या 1,000 रुपये होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपका नाम? मेरा नाम चरण सिंह रावत है, मैं लाडपुरा का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट अजमेर है मेरा।